सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल स्वेता क्रिएशंस को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। तो आज का ब्लॉग कुछ अनोखे अंदाज में शुरू हो रहा है। देखिए, मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई रखी है। हाँ, मैं इसे अभी अभी लगाया है मैंने। अभी अभी मैं मेहंदी बालों के लिए, हेयर के लिए मेहंदी कितना अच्छा है, क्या क्या इसमें क्या क्या ऐड करके लगाना है और कैसे लगाना है अपने आप, अभी मैं उसका वीडियो बना चुकी हूँ। अब मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे इसे अपने सर पर रखूँगी, फिर वाटर वॉश कर दूँगी। अभी मेरे बाकी जितने सारे छोटे मोटे काम हैं वो सब निपटा लूँगी, और मुझे वो वाला मेहंदी वाला वीडियो भी एडिट कर दूँगी। मेरे बाल कैसे हैं? मैंने कल मेहंदी का वीडियो अपलोड किया था, कैसे लगाना है और कितना काम करता है, तो वो मैंने रात को लगा कर ओनली वाटर ब्रश किया और मैं सो गई। और आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा पर मेरे बाल बीते 15-20 दिनों से मैंने बालों का केयर बिल्कुल नहीं किया था, तो मेरे बाल बिल्कुल ही रफ और ड्राई हो गए थे। मैं पहले 4 से 5 साल पहले मैं हर 15 डेज में एक बार यूज़ करती थी, अभी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ। अभी चुका है मेरा, मैंने कुकर में राइस बना दिया है और पोटैटो फ्राई भी मेरा तैयार हो चुका है। तो आज का लंच बिल्कुल सिंपल है क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसा हो गया है, पेट गर्मियों में सीजन चेंज होकर पेट गर्म हो जाता है, दस्त जैसा हो जाता है। कल शाम को वैसे ही शुरू हो गया था, उन्हें 2-3 बार वॉमिटिंग हो गया और 3 से 4 बार, तो इसीलिए उन्होंने बस कुकर में राइस बना के थोड़ा लेमन और सॉल्ट डाल के खाएंगे बोले। इसलिए बस ओनली राइस और पोटैटो फ्राई बना है। अभी 2-3 दिन से बाहर का खाना बिल्कुल खाया ही नहीं, सिर्फ घर पे ही खाया है मैंने, तो बस इडली लेमन राइस ऐसे ही बनाया था। कभी कभी ना हम कितना भी केयर कर ले, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है, क्या करें। मेहंदी वीडियो देखना मत भूलो और अपने आप पर अप्लाई करके देखिए। पर फिर भी बहुत वीक हो गए हैं इसीलिए आज वो घर पर ही है, शाम को दोनों मिलकर ही जाएंगे एक साथ। बॉडी हमारी जब थक जाती है ज़्यादा, हम अगर बॉडी को थोड़ा रेस्ट नहीं करेंगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो जब हमारा बॉडी हमें रेस्ट मांगे तो हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। मैंगो, मुझे और मेरे बेटे को मैंगो बहुत पसंद है। मुझे मैंगो इतना पसंद है कि मैं अगर वन टाइम आप मील बंद करके सिर्फ मैंगो खा के रह लो, मैं रह लूँगी दिन में एक बार, दिन भर नहीं रह लूँगी। पर खाना ना पहुँचे तो मेरा लो बीपी आ जाता है, मेरा मुँह थोड़ा सा सूज गया। मतलब कल रात को मेहंदी जो लगाया था ना, वो मेहंदी बहुत ठंडा होता है, बॉडी के लिए बहुत ठंडा होता है। और मैं जब ठंडा पानी पी लेती हूँ या बाहर घूम लेती हूँ या एसी का डायरेक्ट हवा मेरे मुँह पर लगता है या मेहंदी लगा लेती हूँ तो मेरा फेस ऐसे फूल जाता है। और अगर ये विंटर्स होता तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी करके मुँह धो लेती तो नॉर्मल हो जाता, पर ये गर्मियों के दिनों में तो बाप रे बाप। अभी तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। अब जाएंगे, आज हम कमरे में ही बेडरूम में ही बैठकर लंच करेंगे। चलिए मिलकर लंच करते हैं, आप भी आइएगा।
ये नमक की जगह पिड़िया पिड़िया बाड़ी आज आप घर पे खाना खा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपकी तबीयत के बारे में सबको बताए उनका मुंह देखे उसी के कारण आज स्पेशल आइटम बनाए अब मैं निकल रही हूँ शॉप के लिए, वो जा चुके हैं। अभी अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही हैं और बारिश भी थोड़े थोड़े बारिश गिर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जादू है मितवा। मौसम जब सुहाना हो जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। चलिए मैं शॉप में जाने के बाद आपसे मिलती हूँ। हमारी शॉप की बाजू वाली भाभी जी, मैं पहुंच गई, आ गई मैं। अभी मैं शाम की चाय के साथ अपना ये व्लॉग कंप्लीट करती हूँ। बाय, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।